ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जिसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, और इसमें हमें अलग अलग चीज़ों को बना के खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू से एक टेस्टी सा नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, बनाते हैं ब्रेड और आलू का नाश्ता। इसको बनाने के लिए मैंने मिक्सर जार में 3 से 4 ब्रेड लिए हैं। आप ब्रेड को 1-2 दिन पुराना ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम एक बाउल में 2 से 3 आलू लेंगे, उसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च को कट करके ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे उसको भी इन आलू के ऊपर ही ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी टेस्टी होती है, आप बच्चों को बना के एक बार दोगे तो बच्चे बार बार मांगेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर हमें इस रेसिपी की बाइंडिंग के लिए चाहिए। उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। आप जीरे की जगह जीरे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। और लास्ट में हम इसका टेस्ट को टैंगी बनाने के लिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़े से ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किए थे। चाट मसाला और चिली फ्लेक्स को मैंने 1/2 टेबल स्पून के लगभग लिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको हाथ से एक डोक के रूप में चेंज कर लेंगे। तो इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू के साथ इसका जो डो है वो आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डो धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए धीरे धीरे डो बनने लगा है, और डो में हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डो अच्छे से लग गया है। अब हम जैसे ही डो लगाएंगे उसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि हमारे डो में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से सेट हो जाए और फिर हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बने। 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे और 5 से 10 मिनट बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब लिड को हटाते हैं और अपने डो को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डो परफेक्टली बन चुका है। अब हम इस डो को लेते हैं और बॉल को साइड में रख देते हैं और इस डो को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमें डो को हाथ से चपटा करना है, इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में चेंज करना है, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं हाथ की मदद से इसको बराबर कर रही हूँ ताकि इसको एक शेप दे सकूँ और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये अच्छे से सेट हो गया है। चलिए एक नाइफ लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक ट्रायंगल के शेप में कट कर रही हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में बहुत ही मज़ा आए। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजिली कट गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे डो की अच्छे से कटिंग हो गई है। अब गैस की तरफ चलते हैं और गैस पे एक पैन रखते हैं और इसको फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इसको सेलो फ्राई कर सकते हैं, चाहे इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने जो ऑयल गर्म होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम अपने नाश्ते को एक एक करके पैन में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। जब नाश्ता एक साइड से पक जाएगा तभी हम इसको दूसरी साइड चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नाश्ता देखने में कितना लाजवाब लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना लाजवाब होगा। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग टी टाइम में भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही ईजी है, ये तो आपने देख ही लिया होगा, और खाने का गारंटी मैं लेती हूँ कि खाने में बहुत ही लाजवाब होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक साइड से नाश्ता सीख गया है, अब इसको दूसरी साइड भी टर्न कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी ये बहुत ही अच्छे से सिक जाए। आप देख रहे हैं इस पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बस इसी प्रकार से हमें दोनों साइड से नाश्ते को शेक लेना है और एक बार में पैन में जितना नाश्ता है उतने को ही ऐड करना है, नहीं तो हमारा नाश्ता अच्छे से नहीं सिक पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपसे बातें करते करते नाश्ता दोनों तरफ से सिक के तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं नाश्ता पैन से निकाल लिया है। प्लेटिंग करने के लिए अब हम एक प्लेट लेते हैं और अपने नाश्ते को प्लेट में सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत आसान है, आप कभी भी किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।